महाराष्ट्र के बाद अब दूसरे राज्यों में भी ऑपरेशन लोटस का डर। 2024 के पहले महाराष्ट्र में दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक से भाजपा ने अपने उद्देश्य साफ कर दिए हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। नमस्ते, मैं हूं आयुष्मान, आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। एनसीपी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विपक्षी खेमे में आशंका जताई जा रही है कि जांच एजेंसी का डर दिखाकर भाजपा आगे भी ऐसा करने की कोशिश करेगी। विपक्ष को लगता है कि आज लगभग सभी विपक्षी दलों के किसी ना किसी नेता के खिलाफ एजेंसियों में मामले चल रहे हैं या उनके खिलाफ मामले बनाए गए हैं। ममता बनर्जी की पार्टी और परिवार, तेजस्वी यादव और उनका परिवार, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दो बड़े नेता अभी भी जेल में हैं। एनसीपी के तमाम नेता, बीआरएस की नेता की कविता से लेकर कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक एजेंसियों का शिकंजा कसा है। विपक्ष को लगता है कि विरोधी दलों में सेंध के जरिए बीजेपी सत्ता पाने के साथ साथ विपक्षी दलों को खत्म करना चाहती। महाविकास अगाड़ी का भविष्य, अजीत पवार की बगावत का असर महाराष्ट्र की सियासत और महाविकास अगाड़ी के भविष्य पर पड़ेगा। शिवसेना में टूट के बाद जहां प्रदेश में महाविकास अगाड़ी की सरकार गई तो वहीं एनसीपी की टूट इस गठबंधन को और कमजोर करेगी। एमबीए में शिवसेना और कांग्रेस जैसे परस्पर विरोधी विचारधारा वाले दलों को शरद पवार ही साथ लाए, ऐसे में उनके कमजोर होने का असर अगाड़ी के भावी योजनाओं पर पड़ सकता है। एमबीए की लोकसभा चुनाव में एक साथ उतरने की बात हो रही थी, हालांकि कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने मजबूती से शरद पवार के साथ खड़े होने का दावा किया है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में विपक्ष की रणनीति क्या होगी। ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ प्लस।